पतंगा भी खाते हैं खुला सा हुआ, क्या कारण रहा था खुला रोटी है? जी हमारे यहाँ थाना बड़ौती पांडव नगर, वहाँ 25/26 सितंबर की रात्रि में ये आए थे एक लोग भौरा खुर्द थाना भौरा कला जनपद मुजफ्फरनगर से, और वो सुबह मृत पाए गए थे। उनके शरीर पे कई चोटें थी। बाद में उनके पिताजी ने हमारे यहाँ मुकदमा दिखाया 74/19, 5 लोगों को नामजद किया था। लेकिन जो CCTV फुटेज वगैरह लगे थे आसपास, उससे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, हमारी पुलिस टीम ने, CEO बड़ौत, इंस्पेक्टर बड़ौत थे, उसमें एक आदमी उसकी मोटरसाइकिल पे आता दिखाई दे रहा था। उस आदमी को जब हम लोगों ने तलाश किया तो जाके सही आदमी मिला, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसका नाम है सागर पुत्र अरविंद, निवासी बरला जट थाना शामली का। इसका कहना है कि ये 23/9 को मुझे मिला था, पहले शामली फिर हरिद्वार ले गया, नौकरी भी दिलाने के लिए बात कर रहा था। हम बोलता जो मृतक विक्रांत है वो था जहर कुरान, बिजनौर GRP से भी जेल जा चुका था, ट्रेन वगैरह में जहर कुरानी वाला काम करता था। इस लड़के को लेके मोटरसाइकिल पे आया था पड़ोस में। इसका कहना है कि मुझे दूध में कुछ मिला के पिला दिया और रात को मेरे साथ दुष्कर्म किया। फिर जब इसकी 12 बजे इसकी नींद खुली तो नेकेड था, वो भी नेकेड था, तो इसको जो भी समझ में आया, वहाँ बगल में कहीं हथौड़ा था क्योंकि मकान डिस्प्यूटेड था और उसी का था, ऊपर किराएदार भी रखे था। वो हथौड़े से और पेचकस से कई वार किया, हथौड़ा पेचकस सब बरामद हुआ है। मृतक का मोबाइल फ़ोन का है तो भी बरामद हुआ है, उसका आधार कार्ड बरामद हुआ है, और जो उस समय बनियान थी इसकी खून से उसमें ब्लड लगा हुआ वो बरामद हुई है। सब परीक्षण के लिए जा रहा है और ये अरेस्ट हुआ और इसमें जा रहा है, और बाकी 5 लोग निर्दोष हैं जो नाम दे, एक ही आदमी ने मर्डर किया था।